खबर के साथ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। हरियाणा में 5 से 6 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है बीजेपी, जिनमें सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत में नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही भिवानी, महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में नहीं बदले जाएंगे उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से जानकारी। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे, तो बात अगर गुड़गांव की करें तो यहां से राव इंद्रजीत को ही टिकट मिलेगा या फिर उनकी बेटी आरती राव हो सकती है उम्मीदवार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, हरियाणा के भी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को करनी है, और ऐसे में 5 से 6 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतारने की बात यहां सामने आ रही है। इससे पहले जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी उसमें भी कई नए चेहरों को जगह मिली थी, कई का पत्ता या यूं कहे टिकट कटा भी था। और अब क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें, 5 से 6 लोकसभा सीट जहां पर नए चेहरे उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत से भी नए उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, दूसरी लिस्ट का इंतजार है, बात अगर हरियाणा की करें तो 5 से 6 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतारने की बात सामने आ रही है। तो सुश्री, सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में 5 से 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा नए उम्मीदवार उतार सकती है। बात करें सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत और भिवानी, महेंद्र की, तो मौजूदा सांसदों की टिकट कटने की आशंकाएं नजर आ रही है सुश्री। और साथ ही फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसमें जो बदलाव है उम्मीदवारों से, उन्होंने शायद मौजूदा उम्मीदवार को वहीं से उतार। ठीक है, पराजिता आपसे जानकारी लेंगे।